पूरी बन जाती है, बड़े सुंदर पूरी बन जाती है, आलू की सब्जी बना देना, पकौड़ा, इसको इतना बढ़िया खिलाओ जैसे बोले तुम्हारी एकादशी कब आएगी, अब एकादशी आ गई। हाँ, इसलिए अगर खाने के साथ ठीक है भैया ना, एकादशी व्रत रखियो, और आप जितने माता है एकादशी व्रत रखना, और सबके सब हरि नाम करियो, और कोशिश करना भगवान भोग लगा कर खाने के लिए, ठाकुर जी को भोग लगा कर ठाकुर जी खाना खाओ, क्योंकि प्याज लहसुन अगर खाओगे तो भोग लगा नहीं सकते हो। और सुदामा का नाम सुने हो, ये सुदामा पहले दरिद्र क्यों बना, ठाकुर को बिना दिए, टीवी में देखे होंगे ना, ठाकुर का हिस्सा का भाग खा लिया, इसलिए गरीब बना, धनी का बना। जब भगवान के लिए चिड़वा लेकर गए, ठाकुर एक मुट्ठी खाए, दो मुट्ठी खाए, जब तीसरी मुट्ठी खा रहे थे रुक्मिणी हाथ पकड़ी बोली नहीं, आपने दो मुट्ठी खा लिया ठाकुर घर में सारे ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे ना मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाऊंगी। है जब घर में आया सोने के महल, भगवान के देकर खाओगे ना माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, घर में खूब माल आएगा, घर में खूब संपत्ति घर में आएगी, ठीक है ना। इसलिए क्या करना, भगवान की भजन करो, भक्ति करो, और खूब आनंद में रहो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अब सब मेरे पीछे पीछे एक बढ़िया भजन गाओ। ओ सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाओ। सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन सखीरी मेरे मन अभिलाषा होए, मदन मोहन के गुण गाओ। सखीरी मेरे I'm not afraid।
गौर प्रेमानंद सब ताली बजा कर एक मिनट कीर्तन करते बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला दिल्ली वाला नहीं है दिल वाला मतलब क्या है जिसका दिल दिल में जिसकी ताकत है जिसकी दिल मजबूत है क्योंकि देखना अगर कोई शराब पिए ना दुनिया कुछ कुछ नहीं बोलता है अगर कोई सिगरेट फूके कुछ नहीं बोलता है लड़की बाजी करके कुछ नहीं बोलता है लेकिन अगर कोई गले में कंठी तिलक लगा दे ना ध्यान दे गले में कोई कंठी तिलक बोलिए कौन सा बीमारी तुम्हारी है गले में कंठी तिलक तुम लगा दी उसे कौन सा कोई अच्छा भगवान की भक्ति करना मीरा का नाम सुनी हो कौन कौन मीरा का नाम जानते हो देखना मीरा जो भजन की ना पूरा घर वाले उसको पीछे पड़ गए सास ननद जेठ ससुर सबके सब उसको पीछे पड़ गए कुत्ता भी पीछा नहीं छोड़ा लेकिन अभी नाम हो रहा तो किसका नाम हो रहा है मीरा के नाम हो रहा है ये दुनिया अद्भुत दुनिया है भगवान की भक्ति करो तिलक कंठी पहनो तो दुनिया बिगड़ जाती है क्या कंठी तिलक माला पहनती इसको पहनने से क्या होता है हैं लेकिन भगवान की भक्ति करते हो पीछे बढ़ जाते हैं हैं लेकिन ये जो मुसलमान भाइयों को देखो शुक्रवार के दिन बच्चों को टोपी पहना कर मेन रोड जाम कर देते कि नहीं अपना बच्चों को ले जाते हैं मेन रोड में बैठा करके अपना नमाज पढ़ते हैं कभी हम तुम बोलते हो अपना बच्चे को एक हरिनाम करो एक माला कर रामायण पढ़ कभी बोलते हो आप किसी भी मुसलमान बच्चे को पूछो लो तो कुराना बताओ झटाझटा बोल देगा मैंने 10 साल बच्चे को पूछा अपना कुरान छाती फुला करके बोले कितना साल से उम्र से तुम्हारे धर्म सीखा बोले 2 साल से कंपलसरी हमारे हिंदुओं को पूछो बोलो कोई गीता का किताब कोई श्लोक बोले रामायण का कोई प्यार है बोलो किसको याद है बोलो कौन सा हीरो का नाम कौन हीरोइन का नाम सारे उल्टा पुल्टा अंटस अंट सब याद करके रख लिया है सारी गंदी गंदी चीज को याद कर रख ले लेकिन हमारी गीता भागवत रामायण हाँ? इसलिए बच्चा बात नहीं सुनता बच्चा बात तुम क्या तुमने किया कौन सा कर तुमने कौन सा तीर चला दिया तुमने क्या कर दिया बच्चा तेरा बात नहीं सुनता है तुमने सुना कि पिता माता का बात इसलिए कहते भगवान के नाम को कौन जप कर सकते बोले दिल वाले मीरा जैसे दिल हो हनुमान जैसे दिल हो सूरदास जैसे दिल हो तुलसीदास जैसे दिल हो ऐसे दिल वाले प्रभु का नाम जप कर सकते ये तो कमजोर हो ना वो तो शराब पीने में मस्त है सिगरेट फूंक सकते हैं गंजा फूंक सकते हैं लेकिन भगवान के नाम में उनका कोई रुचि नहीं इसलिए कहते राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला माला जपी थी अजना माने माला जपी थी अजना माने मिल गया बजरंग भाला जपेगा कोई दिल वाला मिल गया बजरंग भाला जपेगा कोई दिल वाला कृष्ण नाम की मीरा भाई ने मिल गया मुरली
गली वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया मुरली वाला जपेगा कोई दिल वाला। आ माला जपी थी गौरा माने, माला जपी थी गौरा माने, मिल गया जपरू वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया जपरू बैठ के प्यार जम गया तो भगवान का कीर्तन है, थोड़ा भगवान का नाच लो, सब खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो जाओ, सब सब बैठ के खड़े नहीं हो पा रहे। बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि शादी विवाह होता है ना, जो ना पी पी करके मेन रोड में पागल होकर नाचते नाचते कि नहीं ना, हाँ कि नहीं बोलो। अगर मेन रोड के ऊपर में उल्टा पुल्टा गंदी फिल्म के ऊपर में आप पागल पागल, लेकिन भगवान का कीर्तन में नाचने में शर्म लगता है। इधर सुना, जो भगवान का कीर्तन में एक बार नाच लेना उसको 84 लोग के जोड़ी नाचना खत्म, 84 जोड़ी लोग के उसको नाचना। अगर भगवान के दरबार में नहीं नाचोगे ना, फिर तो दुनिया को सामने नाचना पड़ेगा, बीवी को सामने, बेटे को सामने, बहू को सामने, ननद को सामने, नाचते कि नहीं सबको पता, कौन नहीं नाचता है संसार में, सारा दुनिया नाच रही संसार में है, लेकिन भगवान के दरबार में नाचो सारे नाचना बंद। इसलिए नाचना तो किसको सामने नाचनी चाहिए, ठाकुर को सामने नाचो, ठीक है ना। हाथ से हाथ उठा करके बोले आज भी राजा के हाथ से मोरी रे रखिया, राजा के
देखो हमारी बॉबी प्रभु जी, उनकी धर्म पत्नी पूनम दीदी, घर में आज सत्संग बुलाया, क्या क्या घर में संतों को बुलाया, हरि कीर्तन करवाया। देखो ध्यान देकर सुनो, जिस घर में संत लोग आ जाए, जिस घर में भगवान का कीर्तन नाम हो ना, कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, घर का सारे अमंगल दूर हो जाता है, वो घर घर नहीं रहता है, वो घर भगवान का वैकुंठ, भगवान की गोलोक वृंदावन बन जाता है। अगर घर में कुछ पाप हो, घर में कुछ अगर पाप हो हैं, अगर घर में कीर्तन हो तो घर का सारे पाप दूर हो जाता है, हैं? घर का सारे पाप दूर हो जाता है जिस घर में सत्संग हरि कीर्तन हो जाए। इसलिए भागवत कहता है पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ हैं, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे अयोध्या मथुरा काशी कांची, जितने पृथ्वी का तीर्थ है उसी घर में आ जाते हैं, उसी घर में सारे तीर्थ उसी घर में आ जाते हैं जिस घर में सत्संग हरि कीर्तन हो। इसलिए आज घर में इन्होंने दोनों पति पत्नी और उनकी माता जी बच्चों ने घर में सत्संग करवाया। ठाकुर इनको पर कृपा करे, भक्ति दे, जीवन में शांति और सुख मिले। इधर ब्लस वृंदावन बिहारी तुम्हारी माला दी थी, इधर जो अपने पत्नी को पहना था और माला आजा इधर आजा माता जी, माता जी इधर आजा। इनका बच्चे आजा इधर आजा बेटा, और माला है इधर इधर तुम अपने बेटी को पहना लो। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राम। ऐसे माला है ना, हाँ इनको बोलना जब प्रसाद भाई घर में भोजन करे, बोले एक माला करके भोजन करे, ठीक है प्रभु जी एक माला करके भोजन करो, यही साथ में जाएगा और कुछ साथ में जाने वाला नहीं, सारे धन दौलत कमाई यही खत्म, आंख बंद सारे नाता खत्म तुम्हारी है। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, क्या मिला जिंदगी में, मीरा कह रही है बोले राम रतन धन पाए, जितने राम का नाम लिया वही मिला, जग में सब ही खोवायो, संसार में सब गया, इसलिए यही धन जाएगा है। इसलिए जो साथ में जाएगा तो उसके लिए क्यों नहीं करे, और जो जाएगा नहीं उसके लिए दिन रात लगे हुए है, जो जाएगा नहीं साथ में है। इसलिए पत्नी कहाँ तक जाएगी, दरवाजा तक आगे नहीं जाएगी, पुत्र परिवार कहाँ शमशान तक जाएंगे, उसको आगे कोई नहीं जाएगा, सब टाटा करके वापस चले आएंगे। इसलिए उसको साथ में केवल प्रभु की नाम धन साथ में जाएगा है, इसलिए ठीक है ना। इसलिए भगवान नाम करो जीवन में, आप स्वयं देख लेना जितने समय केवल ठाकुर के सामने बैठ कर हरि नाम करोगे, उतना समय केवल हृदय को मन को शांति मिलेगी, उतना समय केवल शांति मिलेगी। जब भगवान के भजन से मन हट जाए ना, अशांत, घर में ये नहीं, घर में ये समस्या, घर में ये समस्या, घर में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिमाग में चक्कर काटते रहेगा। लेकिन हम कभी कभी सोचते हैं ना, अरे भगवान के लिए समय क्यों दे, अपना बेटा बेटी परिवार के लिए। देखो भगवान कहते मेरे सामने मेरे तरफ में एक कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा,
हम कर्म कृष्ण गीता में कहते हैं कर्मण्य बाधिका, तुम्हारे कर्म में अधिकार, फल देने वाला मैं हूँ। फल आप कोशिश करते ना ये काम हो जाए, जब तक तो उसकी इच्छा नहीं हो ना कुछ भी होने वाला नहीं। लेकिन जब हम उनको भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, ठाकुर सोचेंगे ये मेरे लिए कर रहा है, इसके लिए मेरे को करना पड़ेगा, हैं? इसके लिए मुझे करना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे लिए कर रहा है। इसलिए भगवान कहते मेरे तरफ में एक कदम बढ़ा, मैं तेरे कदम में 10 कदम बढ़ा कर दिखाऊंगा, है? इसलिए हमारी इच्छा नहीं, ऐसा भगवान की आशीर्वाद से, उनका कीर्तन करने से, उनका आशीर्वाद से अपने आप कहते ना करते हो तुम, करने यहाँ मेरा नाम हो रहा है और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। ये चीज के ऊपर विश्वास करो, अपना पर विश्वास मत करो, ठाकुर के ऊपर विश्वास करो। ठाकुर के पास सेवा पर जाइए, अटैक पड़ गया था, सुबह सुबह इन्होंने 16 माला की, अब वो उसी दिन शाम को अटैक पड़ गया, हार्ट अटैक। फिर ठाकुर जी के सामने जाके लेट गई कि आज बचा लो प्रभु, ठीक है। ठाकुर को भजन करो, ठीक है माताओं, और अपना घर में, जिस घर में अपना घर में, घर में बुलाना, सब अपना घर में बुलाना संतों को, समझ रहे हो? देखना बच्चे का बर्थडे होता ना, शादी के, शादी के सालगिरह होता है, कितने पैसा लुटा देता है, कितना बोतल तुड़वा देते हैं, बोतल तुड़वा जाए तो शराब खराबियों को बुना। इसलिए हमारे घर में शराब भी आते हैं, जुआड़ी आते हैं, संतों को नहीं बुलाते जिसमें हमारे घर की कल्याण हो। पता नहीं कितने बोतल पिला पिला कर खत्म कर देते, कितना मुर्गा को खिला देते हैं। इसलिए नहीं, घर में जैसे बच्चे का बर्थडे हो, तुम्हारी शादी की कोई अच्छे दिन हो, संतों को बुलाओ, घर में कीर्तन होगा, कथा होगा, जिसके लिए करोगे उनको पर ठाकुर का आशीर्वाद मिलेगा, ठाकुर को आशीर्वाद मिलेगा, घर का सारे दुख कष्ट जाएगा, घर में शांति सुख आएगी, ठीक है? घर में संतों को बुलाया करना, हाँ, यहाँ पर ये प्रभु जी रहते हैं यहाँ पर, हाँ, ठीक है, ठीक। बोला वृंदावन बिहारी लाल की, और कल एकादशी, सबके एकादशी करना सबके साथ, ठीक है? हाँ, ये लेके आए थे हमें लाइन पे, इन्होंने लेकर गए, ये कौन से जुड़े हुए हैं, ये शाम से आते हैं, ये शाम से हो, घर में सब ठीक ठाक, प्रणाम कर लो, चलो, इन्होंने अभी हरी नाम नहीं लिया, अभी बस इस्कॉन से, इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं ये, ठीक है, आज नाम कोई बात नहीं, भगवान लो उसको पहना दो, पत्नी है नहीं, नहीं नहीं, आप पहना दो, आप पहना दो, आप पहना दो, ठीक है, इनको प्रसाद है ना, कुछ ले आओ, दे दे, दर्शन लाइव बंद करो।